वेलकम 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 सभी चैंपियंस का बहुत बहुत स्वागत है आज की इवनिंग के अंदर। आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दीपक बलोदी है, मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ और साथियों इस कंपनी के अंदर SHPL के अंदर एक ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर लेवल को मेंटेन कर रहा हूँ। आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है कि आज की इवनिंग ऐसी जबरदस्त इवनिंग होने वाली है। रियल में आज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताया जाएगा, आज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपके हर सपने को पूरा कर सकती है। आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं हर जगह पे मेहनत कर रहा है कहीं ना कहीं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए। लेकिन रियल में मैं थैंक्स करता हूँ SHPL का कि आज SHPL की वजह से मुझे आज ये मौका मिला है। मैं थैंक्स करता हूँ अपने ग्रेट अप्लाइन मिस्टर संजीव शर्मा प्रवेश सर का और थैंक्स करता हूँ आप सभी चैंपियंस का कि आज की इस इवनिंग को आप ऐतिहासिक इवनिंग बनाने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। आप सभी लोग अगले एक मिनट के अंदर एक ऐसी प्रेजेंटेशन आपके सामने होने वाली है, जितने भी नए लोगों को आपने इनवाइट किया है 100% में उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो जिसने भी आपको बुलाया है एक बार उनका थैंक्स करके जरूर जाना, क्योंकि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आज आपके सामने आ रही है जिसने हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगियां बदली है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो एक क्रांति का रूप ले चुकी है। अभी आज से कुछ समय पहले हम लोगों ने कुछ हफ्ते पहले एक ताल कटोरा के अंदर वहां से एक आगाज किया है पूरे इंडिया के अंदर और पूरे इंडिया में एक तहलका मच चुका है। आज एक ऐसी प्रेजेंटेशन आप देखने वाले हैं कि आप आज तक जिस भी भगवान के सामने जिस भी ईश्वर के सामने आज तक किसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आज आपके सामने है। अगले आधे घंटे के अंदर, अगले एक घंटे के अंदर जितनी भी देर हम लोग यहाँ पे बैठे होंगे, आप मेंटली नहीं यहाँ पे मतलब फिजिकली नहीं मेंटली भी यहाँ पे बैठना, क्योंकि रियल में आज वो अपॉर्चुनिटी आपको बताई जाएगी कि जिसकी वजह से हम लोग हर चीज को, जिस चीज के हम अलग अलग सेक्टर के अंदर अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर आज मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आज वो अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है जिसको आज बताने के लिए हमारे बीच एक ऐसी पर्सनैलिटी आने वाली है जिन्होंने आज एक बहुत बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, जिन्हें कह सकते हैं कि इस इंडस्ट्री के हम किंग मेकर कह सकते हैं, जिनकी डिसीजन की वजह से आज हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगियां बदली नहीं जिंदगियां पलटियां खाई हैं, जिनमें से मैं खुद एक हूं। तो मैं साथियों चाहता हूं कि अगले एक से दो मिनट के अंदर जितने भी हमारे लीडर्स हैं, जितने भी हम लोगों को इनवाइट किया है, हम लोगों को यहां पे बुलाएं, फटाफट बुलाएं, क्योंकि अब मैं उस प्रेजेंटेशन के लिए ज्यादा बाधा नहीं बनके उन डायनेमिक पर्सनैलिटी को आप लोगों के सामने जो SHPL के अंदर टॉप अर्नर्स हैं, SHPL के अंदर आज टॉप रैंक को मेंटेन कर रहे हैं, SHPL के अंदर आज प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर लेवल के अंदर उसको मेंटेन कर रहे हैं और आज रियल में पूरे इंडिया के अंदर आज SHPL के साथ मिलके हम लोग जो तहलका मचा रहे हैं उसमें आज शामिल होने का, इस क्रांति में आज शामिल होने का आप लोगों के पास भी एक बहुत बेहतरीन मौका है। तो जितने भी लोग हैं मैं आप लोगों की जबरदस्त हैंड रेज के साथ, क्योंकि यहाँ पे हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर है तो हम तालियां नहीं बजा सकते, लेकिन आप लोगों के हैंड रेज से, दिल से, जो मर्जी जो भी आप रिएक्शन देना चाहते हैं उस रिएक्शन से मैं आप लोगों की जबरदस्त आपके दिल की स्माइल के साथ उनको बुलाना चाहूंगा, मिस्टर संजीव शर्मा चंडीगढ़। मैं वेलकम करना चाहूंगा संजीव सर का। वेलकम संजीव सर। दीपक सर, संजीव शर्मा का थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है तो प्लीज कंटिन्यू। ओके ओके, नो प्रॉब्लम सर। तो अभी जितने भी चैंपियंस हम यहाँ पे बैठे हैं, मैं ज्यादा बाधा नहीं बनना चाह रहा था। एक्चुअली क्या है कि हमें टाइमली, हमें SHPL ने एक चीज सिखाई है कि हमें टाइमली सिस्टम के अंदर चलना है, टाइमली यहाँ पे वक्त मतलब अपनी मीटिंग को चलाना है। तो जितने भी लोग हैं अभी, ठीक है हमारे पास एक दो मिनट का टाइम है। रियल में साथियों वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है जिसके लिए आज हर कहीं पे हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के अंदर एक एथिकल, एक लीगल कंपनी की तलाश कर रहा है, तो एक लीगल, एक एथिकल कंपनी की तलाश कर रहा है कि जिस कंपनी के अंदर फ्यूचर लेके इस इंडस्ट्री के अंदर आया है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका फ्यूचर बने और उस फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए आज एक तरीके से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, हमें SHPL मिली है जो रियल में एक क्रांति के तरीके से काम कर रही है। क्योंकि मुझे याद है वो पहला दिन जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, आज SHPL के अंदर मैं इस इंडस्ट्री के अंदर तो आया था, लेकिन जब से मैं SHPL के अंदर आया तब से एक अलग ही जुनून है, एक अलग ही जोश है, कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जो चीज भी हम चाहते हैं उस चीज को पाने के लिए हम हर जगह पे अपना जीतना मेहनत करते हैं। आज जितना भी समय हमारे पास होता है और हमारे यहाँ पे SHPL में या हमारे गुरुओं से एक ही चीज सीखने के लिए मिली है कि रियल में लाइफ के अंदर देखो मेहनत तो हर व्यक्ति कर रहा है, लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म पे, एक सही जगह पे अगर हम मेहनत करते हैं तो कम मेहनत के अंदर हमें वो चीजें मिलती हैं जो चीजें ज्यादा मेहनत करने के बाद भी नहीं मिल पाती हैं। तो रियल में आज SHPL की एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, अगर आपने सच्चे दिल से इस चीज को अपनाया, इस चीज को अगर आज आप ये सोच के आए कि वाकई हमारे पास कोई ऐसा मौका या
किसी ऐसे मौके की आप तलाश कर रहे हैं कि जिसमें हमें मौका मिले और हम उसको अपने 100% जोर लगा के अपने हर सपनों तक पहुंचे। क्योंकि आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पे जिस चीज के लिए भी काम कर रहा है, आज मेहनत कर रहा है, उसका कुछ ना कुछ ड्रीम है, कुछ ना कुछ सपना है। आज कहीं ना कहीं आप जानते हैं जिस तरीके से आज के टाइम में महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से आज लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनके मुताबिक, उनकी मेहनत के मुताबिक, उनके टैलेंट के मुताबिक उन लोगों को वो चीजें नहीं मिल पा रही है, उसके लिए हमें एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म आज हमें SHPL मिला है। मैं थैंक्स करता हूँ मैनेजमेंट के लिए। आज इस मैनेजमेंट के साथ काम करने में बहुत ही मजा आ रहा है, क्योंकि रियल में आज मैं थैंक्स करता हूँ मिस्टर गोपाल कुंडू सर का, प्रशांत कुंडू सर का और सुभाष साहू सर का। एक ऐसा गठजोड़, एक ऐसा मतलब सिस्टम, एक ऐसा मैनेजमेंट और पूरी मैनेजमेंट का एक सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। आज ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से एक एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए सारा मैनेजमेंट काम पे लगा है। और आज हमारे बीच ऐसी मतलब हमारे सीनियर्स लीडर्स एक ऐसे लीडर्स हैं जो हर जगह पे हर प्लानिंग के साथ जिस चीज को बोलते हैं उसको पूरा करते हैं, जिस कमिटमेंट को करते हैं उसको पूरा करते हैं। तो 100% आप चाहे आज जाने अनजाने किसी भी व्यक्ति के कहने पे अगर आप इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं तो आप एक सही जगह पे बैठे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को जब भी मौका मिल जाए उसे एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। हर कोई अपना परफॉर्मेंस देना चाहता है लेकिन एक सही जगह पे सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, एक सही जगह नहीं मिल पाती, एक सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती है। कई बार प्लेटफॉर्म सही होता है, प्लेटफॉर्म सही होने के बाद नंबर वन पायलट है, नंबर वन जहाज है, लेकिन अगर रडार नहीं है, एक सही दिशा निर्देश देने वाले गुरु नहीं है, एक सिस्टम नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन आज आप जाने अनजाने में एक ऐसे सिस्टम के अंदर आ गए, चाहे आप खुद सर्च करके आए, चाहे किसी व्यक्ति के कहने पे आए, लेकिन एक ऐसे सिस्टम के अंदर आ चुके हैं कि 100% अगर आप इस सिस्टम को सिर्फ फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें अपनी तरफ से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो जो चीजें हमें बताई जा रही है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से जो सपोर्टिंग हमारी कंपनी की तरफ से, SHPL की तरफ से, हमारे सीनियर्स की तरफ से, 100% आप अपने हर गोल को अचीव कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आज की डेट में हम लोग जहां पे भी मेहनत कर रहे थे या कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एक सही प्लेटफॉर्म के अंदर आना चाहते हैं तो मैं रियल में अपने एक्सपीरियंस से, अपने साथ के जितने कलीग्स हैं उनके एक्सपीरियंस से, जो पिछले कुछ समय के अंदर जो ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है, जो अचीवमेंट हमें दिखाई दे रही है, जो कॉन्फिडेंस हमें दिखाई दे रही है, जो विश्वास हम लोगों के अंदर आया है, 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अगर अगले कुछ समय, अगर 45 मिनट 40 मिनट अगर आपने इस प्रेजेंटेशन को देखा तो आज के बाद आपको कहीं तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज के बाद आपको कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आज आप एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई जाएगी जिस अपॉर्चुनिटी की वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदली हैं, बहुत लोगों की बदलने वाली हैं, आज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के अंदर आप बैठ चुके हैं, एक ऐसी मीटिंग के अंदर आप हैं जिस मीटिंग के अंदर सक्सेसफुल लोग, ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति आया और आपके सामने आके इस चीज को बताएगा, वो सक्सेसफुल व्यक्ति आपके सामने आएंगे जिन्होंने इस चीज को साबित किया है, जिन्होंने इस चीज को अचीव किया है और उनके निर्णय की वजह से आज बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदली हैं। तो मैं ज्यादा बाधा नहीं बनूंगा, कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक ही बात जानता हूं कि आप जितने भी चैंपियन से अभी हमारे पास कभी कभी मौका मिलता है तो जो लोग नहीं आ पाए उन व्यक्ति की, उन वक्ता की बात सुनने के लिए अभी तक, तो हमारे पास अगला कुछ समय है कि हम उन लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, चाहे हम मतलब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जितने भी लोग हम लोग यहाँ पे अभी प्रेजेंट हैं, एकजुट होके एक सोच के साथ एक सिस्टम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और जब एक दिशा में बहुत सारे लोग जब एक दिशा के अंदर एक सही सोच के साथ चलते हैं तो 100% उसमें हर व्यक्ति की जीत होती है, हर व्यक्ति को तरक्की मिलती है। तो आज वो प्लेटफॉर्म हमारे पास है, वो रास्ता हमारे पास है, वो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, लेकिन हमें उसका प्रमोशन तो हम ही लोगों को करना होगा। क्योंकि आज हम जिस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं जिसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहा जाता है, ये इंडस्ट्री क्या है, ये एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री है। और एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री का मतलब क्या है आप जानते हैं, अगर आज की डेट में बात करो तो सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है वो एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री है। एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री के अंदर इतनी बड़ी ताकत है कि एक बच्चा भी इस इंडस्ट्री के अंदर आके इनकम करना स्टार्ट कर देता है, जबकि एक आदमी पूरे जीवन भर मेहनत करने के बाद भी वो इनकम नहीं कर पाता है। आपने देखा होगा टीवी में एड्स आते हैं, उसमें एक छोटा सा बच्चा अगर पैंपर हगीज के एड के अंदर भी आता है तो वो भी वो इनकम कर लेता है जो एक आदमी पूरे जीवन भर मेहनत करे। तो मैं ज्यादा बाधा नहीं बनूंगा, मैं उन पर्सनैलिटी को रियल में उन सक्सेसफुल पर्सन के, आप लकी हैं कि उन सक्सेसफुल पर्सन की जवानी आज आपको इस प्रेजेंटेशन को देखने का मौका मिल रहा है। तो मैं इन्वाइट करना चाहूंगा प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर मिस्टर संजीव शर्मा जी, वेलकम सर। थैंक यू, वेलकम वेलकम। दीपक जी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है सर आवाज। वेलकम सर, भी आ रही है। वेलकम ऑल ऑफ यू। आज थोड़ा लैपटॉप में कहीं ना कहीं चैलेंज आया था, अदरवाइज मुझे फिर अगेन आज मोबाइल से आना पड़ा, पहले भी एक बार ऐसा हुआ था। तो
आज रैली में सबसे मैं स्वागत करता हूँ आज SHPL की इस फर्स्ट बिजनेस प्रेजेंटेशन के अंदर। आज मैं बहुत भाग्यशाली फील कर रहा हूँ कि मुझे एक ऐसी प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला जिस प्रेजेंटेशन ने पिछले 4 साल के अंदर इंडिया के हर कॉर्नर में तहलका मचा रखा है। बस दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, चाहे आप जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी कहीं पे भी बैठे हों, सिर्फ अगले 30 मिनट दीजिएगा, हर वो चीज जो आज प्लान के अंदर है आज वो बताने की कोशिश करूंगा। और मेरे साथ में आज स्टैंसर है, मैं चाहूंगा स्टैंसर आप एक साइड से अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करें। मेरा नाम संजीव शर्मा है और मैं पिछले लगभग 19 मंथ से इस व्यापार को कर रहा हूं, और 19 मंथ से जिस प्लान के माध्यम से हम लोगों ने आज प्रेजिडेंशियल क्लब डायरेक्टर को हासिल किया, आज मुझे सौभाग्य मिल रहा है, मैं आज उसको दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। आज सबसे पहले इस प्लान से पहले ये पता होना चाहिए कि हम कौन सी इंडस्ट्री में हैं। दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अगेन एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां पे आज हर इंसान चाहे जब भी वो जन्म लेता है, एवरीवन वांट्स ए सक्सेसफुल लाइफ। जिंदगी में हर आदमी कामयाबी पाना चाहता है, कामयाबी भरी लाइफ जीना चाहता है उसके लिए, लेकिन क्या रिक्वायरमेंट है, एक कामयाब इंसान की एक्चुअल में परिभाषा क्या है। नेक्स्ट, सबसे पहले इंसान आज की रेट में चाहता है क्या, लग्जरी कार चाहता है। उसके बाद अगर बात करें तो क्या चाहता है, उसके बाद आज लग्जरी कार के साथ उसके बाद ड्रीम हाउस होना चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए उस इंसान को, उसके बाद चाहिए उसको फाइनेंशियल फ्रीडम। उसके बाद क्या चाहिए, आज उसको चाहिए उसके बाद कहीं ना कहीं हेल्थी हैप्पी लाइफ। अगर कोई भी इंसान जो आज पढ़ रहा है या कुछ भी कर रहा है, अगर ये 4 चीजें उसके हाथ में आ जाएं तो वो एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकता है। इस 4 चीजों को पाने के लिए इंसान क्या कर रहा है, लेकिन आज इन 4 चीजों का मतलब है कि जिस भी परिवार के पास ये 4 चीजें हैं, एक लग्जरी गाड़ी है, एक बड़ा घर है, एक फाइनेंशियल फ्रीडम की पैसा सोचने पैसे की जरूरत ना हो, सोचना ना पड़े वो हो, उसके बाद हेल्थी और हैप्पी लाइफ सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। आज पैसा होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि उनकी हेल्थ फिट नहीं होती है, वो खुश नहीं है अपने पारिवारिक तौर के ऊपर। आज चारों चीजों का सम्मेलन है सक्सेसफुल लाइफ। दोस्तों, आज इस सक्सेसफुल लाइफ को पाने के लिए इंसान सबसे पहले क्या करता है, 95% लोग ऐसे हैं लाइफ के अंदर जो जिंदगी के अंदर 3 चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं। पढ़ने लिखने के बाद वो सबसे पहले क्या करते हैं, जॉब करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, जॉब ना मिले किसी कारणवश थोड़ा बहुत पैसा लगा के दुकानदारी कर लेते हैं और या छोटा मोटा व्यापार कर लेते हैं, या पढ़ लिख के प्रोफेशनल डॉक्टर बन जाते हैं, एडवोकेट बन जाते हैं, वो अपने हाथ के हुनर को बड़ा कर लेते हैं। ये 95% लोग ये 3 काम करते हैं। क्या आपको लगता है ये तीन काम से कोई आदमी सक्सेसफुल हो पाया है? क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाता, उसके पीछे एक रीजन है। सबसे पहले वो इंसान आज तीनों लाइन के अंदर, जॉब में, दुकानदारी में, छोटे मोटे व्यापार के अंदर टाइम इन्वेस्ट करता है। वो कोई 8 घंटे काम कर रहा है, कोई 10 घंटे काम कर रहा है, कोई 10 घंटे 12 घंटे काम करने के बाद वो पैसा कमाता है। पैसा कमाने के बाद स्पेंड कर देता है अपनी लाइफ को जीने के लिए, और जब वो पैसा खत्म होता है अगेन रिपीट करता है अपनी लाइफ के अंदर टाइम को, फिर वो दिन के 12 घंटे, वो फिर पूरा महीना जॉब के बाद, वो फिर एक हफ्ता काम का, डेली काम, हफ्ता काम, मंथली काम, काम के बाद जो इनाम के रूप में पैसा मिलता है फिर वो स्पेंड करता है। ये चक्रव्यूह कुछ ऐसा है लाइफ का, हर इंसान की जिंदगी का ये चक्रव्यूह है। जो जीता है उसकी जिंदगी में बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा कैसे आता है उस इंसान को भी पता नहीं चलता है। ये ऐसा चक्रव्यूह है, लेकिन इसके अंदर आप कभी भूखे नहीं मरते हो, लेकिन आपको इतना पैसा मिलता है कि आप जिंदगी स्पेंड कर सकते हो, सक्सेसफुल लाइफ नहीं जी सकते हो। अगर मैं बात करूं आज सक्सेसफुल कौन कर रहा है, नेक्स्ट, सक्सेसफुल लाइफ के लिए क्या है, लेट अस सिंपली बिजनेस फॉर यू। क्या आज जिंदगी में बिजनेस है क्या है, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, टाटा बिरला जिंदल मित्तल बहुत बड़े बड़े व्यापारी है, लेकिन आज 95% बिजनेसमैन का एक ही टारगेट है, वो क्या टारगेट है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोलने से व्यापार होता है, दोस्त नहीं। आज बिजनेस का जो मूलभूत आधार है वो क्या है, एवरी फैमिली हैज ए मंथली बजट फॉर लिविंग। जिंदगी में हर इंसान रिक्शा चालक से लेके प्रधानमंत्री के घर के अंदर भी 3,000 से लेके 10,000, किसी का 15,000, किसी का 20,000, पर मैं 95% लोगों की बात कर रहा हूँ जो दुकानदारी कर रहे हैं, जो कुछ और कर रहे हैं, उनकी परिवार में 3 से 10 हजार रुपए का बजट ऐसा है वो कुछ भी करें ये लगाना पड़ेगा। अगर नहीं भी पैसा आ रहा है तो भी उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है डेली मर, कौन सी चीजों पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। नेक्स्ट, आज कौन सी चीजें ऐसी है जो नेक्स्ट करना पड़ता है, प्रोडक्ट के ऊपर, FMCG प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर है, होम केयर है, हेल्थ केयर है, चाइल्ड केयर है, एग्रीकल्चर, एंड बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जिनमें चाहे या ना चाहे ये जिंदगी में हर वो इंसान पैसा इन्वेस्ट करता है और आगे बढ़ता है। आज अगर मैं आपको बताना चाहूं कि आज इस व्यापार के अंदर हम कैसे शामिल हो सकते हैं, आज हम इस व्यापार में कैसे शामिल हो सकते हैं, जो 95% लोगों के अलावा 5% लोग हैं वो अपना बिजनेस करते हैं, वो अपना बिजनेस करते हैं, वो क्या करते हैं, आज उनके पास चैलेंज है। आज अगर जॉब, दुकानदारी या छोटा व्यापार क्यों करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बड़े व्यापार में बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, और सच में वो चैलेंजेस हैं। क्या चैलेंजेस हैं,
आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है काम करने के लिए, हमारे पास भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसके बाद अगर बात करो एक्सपीरियंस नहीं है, आज इतने बड़े बड़े व्यापारी हैं उनके पास एक्सपीरियंस है, पैसा पैसा दे के वो एक्सपीरियंस लेते हैं। उसके बाद हमारे पास नॉलेज नहीं है, आज हमारे पास मार्केट में इतना बड़ा कंपटीशन है, पैसा होने के बावजूद भी कोई आदमी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता व्यापार के अंदर। आज गवर्नमेंट की रेगुलेशन इतने हैं कि कमाई कम खर्चा ज्यादा, जिसके कारण लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, व्यापार नहीं कर पाते हैं। आज एम्प्लॉय की सैलरी व्यापारी लोगों से नहीं निकलती, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो जाती है। हाई रिस्क है, क्योंकि जहां पे बड़ा पैसा है वहां पे बड़ा रिस्क है। इस कारण बहुत सारे कारण है जो जिंदगी के अंदर इंसान को कभी व्यापार नहीं करने देते। लेकिन आज मैं अगर आपको एक बात बताऊं, मॉडर्न एंटरप्रेन्योरशिप मींस आज का जो व्यापार है, जो डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार है, जिसको हम बोलते हैं कि आप आइए हमारे साथ व्यापार करिए, आज वो मॉडर्न व्यापार के अंदर दोस्तों कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं है। कोई एक रुपया नहीं लगाना, आपने सिंपल रजिस्ट्रेशन करना है, चंद प्रोडक्ट बाय करने हैं और व्यापार को शुरू कर सकते हैं। नो एक्सपीरियंस नीडेड, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, बस आपके अंदर चाहत होनी चाहिए। आपको ट्रेनिंग प्रोवाइडेड है, आप जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं आपको बताएंगे कि आपको जीरो से लेके हीरो तक का सफर कैसे तय करना है। फुल कोऑपरेशन है, हर तरीके से आपको कोऑपरेट किया जाता है। आप यहाँ पे सरकार की हर तरफ से मान्यता, रेगुलेटरी जितनी भी होती है, आज एक खुद के बिजनेस का आप बिकम ऑन बिजनेस, आप अपने खुद के व्यापार का फील कर सकते हैं। 0% रिस्क है, क्योंकि 0% इन्वेस्टमेंट है तो 0% रिस्क है, 0% लायबिलिटी है। आज मार्केट में बात करें बिकम ए बेटर पर्सन, आप जिंदगी में पैसे के साथ साथ अपनी जिंदगी के और नए संस्कारों को सीख सकते हैं। जिंदगी कैसे जीनी है, आप हेल्थी कैसे रह सकते हैं वो सीख सकते हैं, एक बेटर पर्सन सीख सकते हैं, लग्जरी ट्रेवल कर सकते हैं, वेकेशन को एंजॉय कर सकते हैं, लिव लाइफ विद फ्रेंड्स। आप बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जिंदगी में स्कूल से निकले तो स्कूल के दोस्त छूटे तो आप जॉब में आए, कॉलेज में गए, कॉलेज में जॉब छूटे। जिंदगी में इंसान का रिश्ते ना कम होते चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप बहुत सारे दुनिया के फ्रेंड्स बना सकते हैं, ये वो व्यापार है। तो दोस्त मेरा सिंपल कहने का मतलब ये मॉडर्न व्यापार है, इसको समझने की कोशिश करिए। मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। आज ऐसे व्यापार की जो सर्वश्री मैनेजमेंट है, जिस व्यापार की मैं बात करना चाह रहा हूं, आज सर्वश्री व्यापार के अंदर आज मैं बात करूं जिस व्यापार की मैं करना चाहूं, गोपाल कुंडू जी जो आज कंपनी के चेयरमैन है, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, आज गोपाल कुंडू जी के अलावा सुभाष साहू जी हैं हमारे पास, प्रशांता कुंडू जी हैं हमारे पास, उसके बाद हमारे पास टैन सर हैं। ये चारों मैनेजमेंट के अंदर वो पिलर्स हैं जो एक बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए चाहिए होते हैं। कोई मार्केटिंग को देख रहा है, कोई बिजनेस कोच है, कोई प्रोडक्ट डिलीवरी देख रहा है, कोई सॉफ्टवेयर डिलीवरी देख रहा है, फुल मैनेजमेंट के साथ सर्वश्री आज मार्केट में 4 साल से अपने आप को प्रूव कर चुकी है कि आज बहुत अच्छा सिस्टम, अच्छी मैनेजमेंट हमें मिली है। दोस्त अगर मैं बात करूं नेक्स्ट इनके प्रोडक्ट्स की, आज इस मैनेजमेंट के साथ में अगर बात करें प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट को लेने के लिए, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इंडिया की गवर्नमेंट की सारी लीगलिटी को फुलफिल करते हुए आप जो सर्टिफिकेट्स देख पा रहे हैं, ये सारे सर्टिफिकेट्स प्रूव करते हैं कि हमने लीगलिटी की हर वो सर्टिफिकेट लिया है सरकार से जो रिक्वायर्ड होता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। आज मैं अगर बात करूं आगे इसके सर्वश्री की, आज प्रोडक्ट के अलावा आज अगर वन स्टेप बात करें हेल्थी जिंदगी के अंदर, मैं सबसे पहले बात की थी कि आज यहाँ पे पैसे के साथ साथ आपको हेल्थ एंड वेलनेस मिलेगा, आपको जागरूक किया जाएगा कि आपके परिवार से आप कैसे बचा सकते हैं। ये हमारे हेल्थ के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं दोस्तों, इतने सारे प्रोडक्ट हैं कि आज टाइम नहीं है, लेकिन ये बता सकता हूं कि हमारा हेल्थ सेगमेंट का हर वो प्रोडक्ट है जो आप सोच सकते हैं। आज हमारे पास पर्सनल केयर का हर वो प्रोडक्ट है जो आप सोच सकते हैं, जो घर में इस्तेमाल होने वाला पर्सनल केयर का कोई भी प्रोडक्ट हो वो हमारे पास आज अवेलेबल है। अगर बात करें होम केयर की, आपको होम को क्लीन करने के लिए जितने प्रोडक्ट चाहिए होते हैं आज हमारे पास ऑलमोस्ट वो सारे प्रोडक्ट हैं। आज चाहे पर्सनल केयर, होम केयर, किचन केयर, आज राइस ब्रांड ऑयल की बात कर लो, चाहे आप तेल की बात कर लो, चाहे आप मसाले कमिंग सून के अंदर है, चाय पत्ती, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो किचन केयर, बेबी केयर, मतलब हर घर में बच्चे हैं तो बेबी केयर है। आज हिंदुस्तान के अंदर जो खेती करने वाला किसान है उसके लिए भी यहाँ पे प्रोडक्ट हैं। आज अगर बात करूं घर के अंदर बहुत सारे लोग जानवरों को पालते हैं, एनिमल केयर हमारे पास है। मैंने आपसे पहले ही शुरुआती दौर में एक बात की थी कि दोस्तों यहाँ पे जीने के लिए इंसान को 3 से 10 हज़ार रुपए का जो बजट खर्च करना पड़ता है, वो खर्च करने वाले हर वो दायरा हमारे पास है, हर वो रेंज हमारे पास है कि ये वो प्रोडक्टों के बिना जिंदगी आसान नहीं है, ये प्रोडक्ट खरीदने से ही जिंदगी आगे बढ़ती है। दोस्तों इस प्रोडक्ट के बारे में क्या बात करूं, अल्कलाइन वाटर के बारे में इस जितनी चर्चा कर ले कम है। आज जेनोमैक्स के बारे में क्या बात करूं, दोस्तों जेनोमैक्स और अल्कलाइन एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आज हमें 2 घंटे दिए जाए ना वो भी कम है, लेकिन हमारी कंपनी की ऐसी सर्विसेज हैं कि अगर आपको इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए आज अल्कलाइन के बारे में या जेनोमैक्स के बारे में, आज हमारी मॉर्निंग के अंदर
8 o'clock के ऊपर ये एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर जाएंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जेनोमैक्स हमारा एक एडवांस प्रोडक्ट है, ये मान सकते हो कि बीमारी लगे ही ना लाइफ के अंदर, जो बीमारी लग सकती है उससे कैसे परहेज किया जा सकता है, आपकी जन्म कुंडली दे देता है ये जेनोमैक्स प्रोडक्ट हमारा। उसके बाद करें कि आज इस व्यापार के साथ आप एसोसिएट कैसे हो सकते हैं। आज इस व्यापार के साथ एसोसिएट होने के लिए आपको स्टेप वन रजिस्ट्रेशन टोटल फ्री है यहाँ पे, बाय एसएचपीएल प्रोडक्ट एक कस्टमर आप बन सकते हैं, आज आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, ये स्टेप है। आप एज एक नॉर्मल कस्टमर भी बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कुछ प्रोडक्टों की खरीदारी कर सकते हैं। आज हमारे यहाँ पे जो इनकम्स हैं, मैं सबसे पहले की बात करूंगा कि आप यहाँ पे फ्री रजिस्ट्रेशन के बाद कुछ प्रोडक्ट बाय करते हैं तो प्रोडक्ट बाय करने का मतलब ये है कि आप 4000 डीपी का प्रोडक्ट, अपनी मनपसंद प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं और यहाँ से एक एंटरप्रेन्योर आईबीओ बन सकते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बन सकते हैं। 4000 या 7500 जो मन चाहा, मार्केट में एमआरपी पे नहीं मिलेगा आपको, डीपी पे मतलब 15-20% डिस्काउंट पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा दोस्तों। रजिस्ट्रेशन फ्री है, एज ए कस्टमर आप फ्री हो, लेकिन आप एज एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आपको एक बार, जैसे मैंने बताया था 3-10 हजार रुपए का प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है, यहाँ पे एक बार यहाँ से एक साथ खरीदेंगे तो आप एक एंटरप्रेन्योर, एक आईबीओ मिल जाएगा, एक आईडी मिल जाएगी, इस आईडी के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। उसके बाद दोस्तों हमारी कंपनी 31 जुलाई तक कुछ ऑफर्स दी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप 7500 रुपीस के अंदर या 4000 के अंदर डीपी का प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, मतलब आप 7500 खर्चों के लगभग आपको 9000 रुपए के आसपास का सामान मिलेगा। लेकिन दो प्रोडक्ट हमारे ऐसे हैं जो कंपनी ने, एक एस पल्स और सी बक्टोन, जिसके अंदर 4000 के अंदर मतलब आपको दोस्तों 7500 का प्रोडक्ट मिलेगा, और 7500 के अंदर 15000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। 31 जुलाई तक ये कंपनी की ऑफर चल रही है। अगर हम बात करें कि अगर आप आईबीओ बनते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो कैसे पैसा कमा सकते हो, आज आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, सर्वश्री बिजनेस प्लान क्या है, दो टाइप का बिजनेस प्लान है। आज आप हैप्पी कस्टमर बन सकते हैं, उसके बाद अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, पहला है फर्स्ट परचेज, दूसरा है रीपर्चेज। पहली खरीदारी मतलब आईबीओ, अपना आईडी लिया, देन आप पूरी जिंदगी अपनी मनमर्जी से 500 बीवी, 1000 बीवी, 200, जितना आपकी घर की रिक्वायरमेंट है, आप लाइफ टाइम ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और आपको लाइफ टाइम के अंदर जो बेनिफिट्स मिलते हैं मैं आगे बताऊंगा। लेकिन फर्स्ट परचेज के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सबसे पहले यहाँ पे 20% डिस्काउंट, मैंने जैसे कि बताया था कि 4000 और 7500 के बदले में जो डिस्काउंट मिलता है वो आपको मिलेगा। और दूसरी जो इनकम है हमारी, ग्रुप मैचिंग बोनस। दोस्तों क्या है, ये एक एडवर्टीजमेंट का व्यापार है। बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो 60-70% बजट होता है वो एडवर्टीजमेंट का होता है। एडवर्टीजमेंट का क्या मतलब होता है कि सिंपल 60-70% पैसा जो उन प्रोडक्टों पे जो हम मार्केट से खरीदते हैं, वो प्रोडक्टों का पैसा बड़े हीरो हीरोइंस को दिया जाता है, ब्रांड एम्बेसडर को दिया जाता है। लेकिन अगर वही एडवर्टीजमेंट आप और हम लोग मिलकर कर लें, आप सोच के देखिए, आप अगर अपने रिश्तेदारी दोस्ती में कहते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, खरीदने के बाद यूज करने के बाद बोलते हैं, तो 100% 10 में से 5 लोग आपकी बात सुनेंगे और प्रोडक्ट को इस्तेमाल भी करेंगे। तो हमारी कंपनी ने एक मार्केटिंग प्लान बनाया है कि अगर आपके द्वारा, रेफरेंस द्वारा कुछ क्लाइंट यहाँ पे आ जाते हैं और वो भी आपकी तरह एक आईबीओ बन जाते हैं, 7500 रुपीज की ज्वाइनिंग लेफ्ट और 7500 रुपीज की ज्वाइनिंग राइट लेते हैं, तो आपके घर में 500 रुपीज का एक इंसेंटिव चला जाता है कि आपने दो कस्टमर इस कंपनी के साथ एसोसिएट करवाए और आपके घर में 500 रुपीज चले जाते हैं। अगर वो दो कस्टमर भी आपकी तरह जागरूक हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो भी आगे कहीं ना कहीं 10 लोगों को से बात करते हैं, 10 में से 5 हाँ करते हैं, एंड में 2 अगेन एसोसिएट होते हैं, आपकी 2 ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी, एक लेफ्ट और एक राइट। कंपनी कहती है कि अगर आपके लेफ्ट में कोई भी कस्टमर एसोसिएट होता है और आईबीओ बनता है, 7500 की ज्वाइनिंग लेता है, प्रोडक्ट बाय करता है, तो उस आदमी को लेफ्ट राइट करते ही आपको 3 यहाँ पे चीजें रखनी है, ध्यान रखनी है। आपको लेफ्ट और राइट के अंदर एक स्पॉन्सर करना अनिवार्य है। 2:1 या 1:2 की रेशो से पहला आपको इंसेंटिव मिलेगा, उसके बाद 1:1 की रेशो से इंसेंटिव मिलेगा, और एक दिन के अंदर आप 5 लेफ्ट और 5 राइट करके 2500 रुपीज इन अ डे आप अर्न कर सकते हैं। मतलब मंथ की बात करूं तो 75,000 पर मंथ, जिसको पाने के लिए आज लोग MBA करते हैं, BTech करते हैं, MTech करते हैं, वो इनकम मात्र आप 3-6 महीने से ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक ऐसी इनकम है चेक मैच बोनस, ये एक ऐसी इनकम है चेक मैच बोनस जिसके अंदर मैं बात करूं जितनी तारीफ कर लूं उतनी कम है। लेकिन यहाँ पे एक चेक मैच बोनस की छोटी एग्जांपल बताना चाहूंगा कि अगर आज मैंने अपने 10 दोस्तों को बताया कि भैया ये बिजनेस हमें करना है, 10 में से 2 लोगों ने
सुना और दो लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा अर्न करना स्टार्ट कर दिया। पहली इनकम मैंने बताया 75,000 है और यहाँ पे मात्र एक आदमी अगर 500 रुपीज कमाता है आपकी टीम से दूसरी इनकम के अंदर तो आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा आता है। अगर 1,000 कमाता है तो 1,000 आता है, 2,500 आता है उस आदमी को, तो आपको भी 2,500 मतलब 100% चेक मैच बोनस। अगर कोई भी दो लोग आपके द्वारा एसोसिएट है डायरेक्ट में, वो कहीं पे भी एसोसिएट होते हैं, नीचे से नीचे नहीं कहीं पे भी जाके हूँ, लेकिन उनकी कमाई का 5,000 आपको 1,50,000 रुपया आएगा। ऐसे तीन होते हैं तो 7,500। ऐसे 20 लोग अगर आप अपनी लाइफ में कभी भी सेट कर दें अपनी जिंदगी में, सिर्फ क्या करना है 2,500 कमाना सीखना है और 2,500 कमाना सिखाना है। मजेदार बात क्या है, सीखने में 3-6 महीने लग सकते हैं पर सिखाने में मात्र 1-2 महीने लगते हैं। और अगर आपने 20 लोगों को लाइफ में पूरी जिंदगी के अंदर सिखा दिया तो दोस्तों 20 लोगों को 2,500-2,500 आएगा, सिर्फ 2,500-2,500 आएगा और उनके घर में जाएगा कितना 50,000 रुपया और आपके घर में कितना आएगा 15,00,000 रुपया। दोस्तों इतनी बड़ी अमाउंट है, आप अपनी लिमिट खुद डिसाइड कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। अगर मैं इससे आगे की इनकम की बात करूं तो इसके आगे की इनकम है फ्लश आउट बोनस है। हमारे पास फ्लश आउट बोनस के अंदर क्या है कि जब आप 5 लेफ्ट 5 राइट से ज्यादा लोगों को एसोसिएट करते हैं, आपकी टीम में भी लोग कैपिंग मारना स्टार्ट कर जाते हैं तो टोटल पेयर वो फ्लश आउट हो जाते हैं। कंपनी ने फर्स्ट इनकम के अंदर 1:1 के रेशियो से रखा है तो सेकंड फ्लश आउट के अंदर 5:5 पांच लेफ्ट में 5 राइट जो फ्लश आउट होती है तो आपका 1 पॉइंट माना जाता है फ्लश आउट के अंदर। और फ्लश आउट के अंदर कंपनी के अंदर से जो फंड है वो 200 रुपीज का है, 200 पॉइंट्स आते हैं और उसकी एक वैल्यू निकलती है जो कि लगभग 700-800 से लेके 1,500 रुपए तक चली जाती है। और एवरेज की बात करें तो 1,000 रुपए की एवरेज आती है। तो अगर आपके पास 1 पॉइंट है तो आपको 1,000 रुपए आएगा, अगर आपके पास 10 पॉइंट है तो 10,000 रुपए आएगा। इसमें मैक्सिमम लिमिट है 10,000 रुपए की, मीन्स आप यहाँ पे 3,00,000 रुपए अर्न कर सकते हैं। मैंने अभी तक आपको 3 इनकम बताई है, नंबर 1 इसमें 75,000 का लिमिट है, नंबर 2 जिसके अंदर अनलिमिटेड है आप अपनी लिमिट डिसाइड कर सकते हैं, और नंबर 3 जिसके अंदर लगभग 3,00,000 रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। अगर मैं नंबर 4 की बात करूं, रैंक एंड परफॉर्मेंस बोनस, अगर कुछ लोग जो परफॉर्म करते हैं, जो अपनी टीम को लीड करते हैं, दोस्तों कंपनी ने एक बात बोली है विदाउट एनी टाइम लिमिट, मींस अगर मुझे चंडीगढ़ से मुंबई जाना है, मैं सिर्फ चलने की ताकत रखता हूं, चाहे जहाज में जाऊं, चाहे गाड़ी में जाऊं, चाहे साइकिल में जाऊं, या पैदल जाऊं, लेकिन अगर जज्बा चलने का है तो पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही कंपनी ने एक विदाउट टाइम लिमिट, कोई टाइम लिमिट नहीं उसके अंदर क्या कहा है, फर्स्ट 30 DP, मींस आप चाहे एक दिन में करिए, चाहे आप एक महीने में करिए, या एक साल में करिए, कंपनी कहती है जब फर्स्ट 30 आपके लेफ्ट में और राइट में होते हैं तो आपको डायमंड अचीवर रैंक मिलता है, और दूसरा 10,000 रुपीज परफॉर्मेंस बोनस के रूप में, आपने जो परफॉर्म किया है उसका पैसा एक्स्ट्रा मिलता है बोनस के रूप के अंदर। दोस्तों यहाँ पे आके यकीन इंसान की स्पीड बनना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट बात करूं अगर इससे ज्यादा तो ऐसे ही 70 BP, मतलब आपके 30 लेफ्ट में 30 राइट के अंदर टीम लोग हैं और 30 में से सिर्फ 10-10 लोगों ने काम किया, 10-10 लोगों ने सिर्फ 7-7 ट्रेनिंग लेके आए, 70-70 की टीम बनी, तो आपको क्योंकि पहले 30 में आपकी ज्यादा एफर्ट लगेगी लेकिन अगले 70 के लिए आपकी एफर्ट नहीं लगेगी क्योंकि 30 में से 5-5, 10-10 लोग आपके साथ आपके एडवर्टीजमेंट कर रहे होंगे और IBOs बन रहे होंगे। तो अगला 70 BP आते ही आपको एग्जीक्यूटिव डायमंड का रिकॉग्निशन मिलता है और साथ में 25,000 का एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। दोस्तों कितना मजा आएगा, सोच के देखिए कि आपको पार्ट टाइम काम करते हो या फुल टाइम काम करते हो, एक ही साथ में 25,000 रुपीज एक्स्ट्रा आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही हमारा रॉयल डायमंड है जो मात्र 150, मींस एक 70-30-100 लोगों की टीम बन चुकी है, अब 100 लोगों की टीम के माध्यम से सिर्फ हमें 150 नए कस्टमर को लेके आना है। चाहो तो कैलकुलेशन में 1 मंथ में भी हो सकता है लेकिन हम कंपनी ने कोई टाइम लिमिट नहीं दिया है तो आपको 50,000 एक्स्ट्रा आएगा। जो मैंने 4-3 इनकम पहले बताई है वो तो आ ही रही है, वो पर डे आ रही है, पर वीक आ रही है, लेकिन ये एक साथ आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गई परफॉर्मेंस बोनस के रूप के अंदर। नेक्स्ट अभी तो 3 पायदान चले हमने, फोर्थ के अंदर कंपनी कह रही है कि आपके पास 3 इनकम टोटल बुला लेना तो 150 और 100 150 लोगों की टीम हो चुकी है। 250 लोगों की टीम से आपने एक एक ज्वाइनिंग निकालते हो 250 होती हैं, लेकिन मैं कहता हूं आपने 300 लोगों की टीम नहीं बनाई, 250 प्लस है आपके पास में, 300 और आए तो लाइफ में कभी भी आ जाते हैं तो आपको एक और लेवल मिलता है क्राउन डायमंड का, और कैश रिवॉर्ड के रूप में आपको 1,00,000 रुपए का एक्स्ट्रा बोनस एक ही साथ मिलता है परफॉर्मेंस के रूप में। ऐसे ही नेक्स्ट 750 मींस 750 टोटल टीम के माध्यम से 2,50,000 रुपया। नेक्स्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट में चले जाते हैं तो 1,500 मतलब आपके पास जितने लोगों का टारगेट है उतनी बड़ी टीम ऑलरेडी आपके पास है, आपको मिलता है 5,00,000 का कैश रिवार्ड जिससे आप कोई भी गाड़ी ले सकते हैं, अपना घर बुक करवा सकते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें, ऐसे ही चलते चले जाएंगे तो अगले 7वें पायदान के ऊपर देखेंगे तो 3,500 मींस आप बन जाते हो, क्या बन जाते हो, डबल क्राउन एम्बेसडर, और आपको मिलता है थाईलैंड का टूर
और कैश रिवार्ड के रूप में 12,50,000 रुपए परफॉर्मेंस बोनस के रूप में आपको मिलेगा। नेक्स्ट डबल के बाद आप बन जाते हो यहाँ पे ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर, ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर को मिलता है यहाँ पे क्या मिलता है मेरे दोस्त, 25,00,000 रुपए का परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। जितना एक इंसान को 40 साल की रिटायरमेंट के बाद बोनस मिलता है ना, आपको मात्र एक साल डेढ़ साल के अंदर ये बोनस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, कैश बोनस 25,00,000 रुपए, जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं और दुबई का टूर भी आपको मिलेगा मेरे दोस्त। अगर हम आगे बात करें ट्रिपल के बाद आता है हमारा यहाँ पे यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, मीन यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर में जो पॉइंट्स लिखे गए हैं 1,75,000 और स्टार क्रूज टूर, आप आपकी फैमिली के साथ स्टार क्रूज में जाएंगे और 50,00,000 रुपए का परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। अगर नेक्स्ट ऐसे ही चलते हैं यूनिवर्सल के बाद चले जाते हैं तो दोस्त यहाँ आता है डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर और आपको मिलता है कंपनी की तरफ से 1,00,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड और स्विट्जरलैंड दुनिया की जन्नत घूमने का मौका मिलता है, स्विट्जरलैंड भी मिलता है और आपको लेवल भी मिलता है और लगभग 1,25,000,000 रुपया। दोस्तों बोलना आसान होता है 1,25,000,000 रुपया जब काउंट में आता है ना मजा आ जाता है। उसके बाद बड़े प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर, आज प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर को क्या मिलता है यूरोप का टूर मिलता है। आज यूरोप के टूर के साथ साथ कंपनी ने 3,00,000 रुपए के परफॉर्मेंस बोनस के रूप में कैश रिवॉर्ड दिया जा रहा है उसको और यूरोप का पूरे का टूर मिलेगा। इस अभी दोस्तों रास्ता रुका नहीं है, अभी और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 1.5 के अंदर आपको 5,00,000 रुपए का परफॉर्मेंस बोनस, जो बोनस बड़ी बड़ी कंपनी को 15-15, 20-20, 25-25 साल के बाद टर्नओवर के रूप में मिलता है, यहाँ पे आपको एक परफॉर्मेंस बोनस के रूप में और यूएसए और ऑस्ट्रेलिया का टूर भी मिलेगा मेरे दोस्त, रॉयल प्रेसिडेंशियल। उसके बाद बात करें SHPL ब्रांड एम्बेसडर, आप भी बोलेंगे कि मुझे आज ब्रांड एम्बेसडर बनके 11,00,000 रुपए का और टोटल 21,00,000 रुपए के परफॉर्मेंस बोनस मिले हैं और आपको पूरी दुनिया घूमने का मौका मिलता है, वर्ल्ड टूर मिलता है। दोस्तों यहाँ पे बस चलते जाना है, घर से निकल के चल दिए, सीनियर की उंगली पकड़ ली, तो मैं दावा कर सकता हूँ, वादा कर सकता हूँ हर उस इंसान से जो चलना चाहता है यहाँ 100% उसको 10,000 से लेके 11,00,000 तक के सारे परफॉर्मेंस बोनस मिलेंगे। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं दोस्तों, अभी तो ये रिक्रूटमेंट है, अभी तो ये बैंक अकाउंट ओपन हुआ है, अभी तो ये लोग जुड़े हैं, अभी आगे है द पावर ऑफ रिपर्चेज, मतलब जितनी ज्यादा बड़ी टीम होगी उतनी बड़ी रिपर्चेज होगी। रिक्रूटिंग मींस आपने लोगों को अभी रिक्रूट किया है तो 22,00,000 रुपए के रिवार्ड है, ऐसा भी दिन आएगा लोगों के 22,00,000 रुपए के मंथली पे आउट होंगे, रिपर्चेज में वो ताकत होती है, लेकिन टीम का होना जरूरी है। रिक्रूटिंग और उसके बाद रिटेलिंग एंड रिटेनिंग मींस आपको लगातार कंटिन्यू करवाना है। नेक्स्ट आपको जाना इंस्टेंट रिटेल प्रॉफिट, आज अगर बात करें बाय वन गेट वन, आप एक बार अपना आईपीएल करवाते हैं उसके बाद जिंदगी में लाइफ टाइम के लिए आपके पास एक बार डीपी पे खरीदारी करनी है, एक बार आपको 7500 रुपए का आईडी पे खरीदारी करनी है, उसके बाद 1,000 बीवी, 2,000 बीवी, 500 बीवी, जितना आप अच्छा चाहते हैं। और मजेदार बात क्या है, आपको बाय वन गेट वन फ्री मिलता है, मतलब आप 2,000 रुपए का खरीदारी करते हैं तो 4,000 रुपए का सामान मिलता है। नेक्स्ट ये हमारी सबसे खास बात है 25-100%। उसके बाद कंसिस्टेंसी ऑफर, दोस्तों यहाँ पे कंपनी चैलेंज करती है कि जैसे कि हम अपने बुजुर्गों और बुजुर्ग एक दुकान किराने की दुकान पकड़ रखी है हम लोगों ने और पूरी जिंदगी हो गई, वो आदमी उधार के अलावा कुछ नहीं देता, लेकिन अगले मंथ में जो उधारी लेते हैं डबल रेट पे लेता है, यहाँ पे कंपनी कहती है मात्र आपने सिंपल 1,000 बीवी किया लगातार 3 महीने, मतलब 3,000 बीवी का खरीदारी करी तो आपको 1,500 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। और 1+1 के अलावा अगर 6 मंथ खरीदते हो तो आपको 5,000 रुपए का मिलता है, अगर आप 12 मंथ खरीदते हो तो आपको 15,000 रुपए का सामान फ्री मिलता है। ये है कंसिस्टेंसी, पर अगर हमारा कोई लगातार चलने वाला क्लाइंट है तो कंपनी उसको एक्स्ट्रा बोनस के रूप में, मतलब यहाँ बिना काम किए भी कोई काम करोगे तो 1,00,000 तक मिलेंगे, नहीं भी करोगे ना तो भी 15,000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री। आज तक किसी भी कंपनी का नाम बता दो जिसने सिर्फ 5 रुपए का प्रोडक्ट भी फ्री दिया हो, यहाँ पे 15,000 रुपए तक फ्री मिलेगा। सिंपल खरीदारी करते चलना है, काम करते चलना है। नेक्स्ट उसके बाद अगर बात करें कि आज मार्केट में कंसिस्टेंसी ऑफर के बाद अगर कोई भी आदमी 3 महीने लगातार अपने आईडी पे खरीदारी कर लेता है, जैसे हमारी कंपनी ने एक माइलस्टोन क्रिएट भी किया है कि अगर परमात्मा ना करे उस आईबीओ को कुछ हो जाता है जिसके नाम से उसका आईडी लगा है, जिसके नाम से उसकी आइडेंटिटी है, परमात्मा ना करे, जैसे कि आज देखो आज हम मैं आज आ रहा था, एक एक्सीडेंट हो रखा था, किस आदमी का मुझे नहीं पता, लेकिन वो आदमी किसी ना किसी से सामान जरूर खरीद रहा होगा, हर रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, परमात्मा ना करे अगर सर्वश्री का आईबीओ हुआ तो सर्वश्री उसको प्रॉमिस करती है कि अपनी
टर्नओवर का 2% निकालेगी, और उस मंथ में अगर एक आदमी हुआ तो 2% उसके घर में जाएगा, अगर तीन आदमी हुए तो उसके घर में जाएगा। जैसे कि अभी एक साउथ के अंदर एक कस्टमर को लगभग 1.5-2 लाख रुपए के रूप में राशि मिली है, यह राशि उसका घर नहीं चला सकती, लेकिन मरते हुए को तिनके का सहारा होता है, उस आदमी के घर में वो चीज उसको एक उजागर कर सकती है। उसके बाद टीम मैचिंग बोनस, आज मैंने बताया लाखों की टीम होगी, लाखों की टीम सिर्फ 1000-1000 बीवी करेगी तो लाखों की रिपर्चेज होगी। कंपनी कहती है लेफ्ट और राइट के अंदर जितना भी मैचिंग होगा तो उसका आपको 10% मिलेगा। मींस अगर 1000 रुपए की खरीदारी आपके लेफ्ट राइट के मैचिंग मिलती है, एक साइड में 10,000 एक साइड में 1000, तो 1000 रुपए की मैचिंग मिलेगी 10%। अगर 1 लाख की मैचिंग होती है तो भी 10%, 10 लाख की मैचिंग होती है तो भी 10%। कंपनी ने कोई एक्सक्यूज नहीं रखा और आपको एक हफ्ते में 1,25,000 कमाने का मौका दिया है। 1,25,000 कमाने का मौका दिया है मतलब 5 लाख रुपए का मौका दिया है। और मजेदार बात क्या है, जो आपके एक लेफ्ट और एक राइट के अंदर बड़ी बिजनेस होगा, बड़ा बिजनेस होगा, बड़े बिजनेस के अंदर जितना बिजनेस मैच कर लोगे उसके अलावा का बिजनेस सारा कैरी फॉरवर्ड होगा। और ये वो इनकम है कि आप बिना सोचे समझे 5 लाख की इनकम को टारगेट कर सकते हैं, जिसमें कि कोई भी सोच समझने की जरूरत नहीं है। उसके बाद टीम बिल्डिंग बोनस 10%, मतलब आपने बताया रिक्रूटमेंट के ऊपर जो भी टीम आप लेके आते हो आपके स्पॉन्सर द्वारा कमाई हुई इनकम का 100% आता है। तो ऐसे ही रिपर्चेज इनकम, जैसे मैंने बताया कि 5 लाख रुपए महीना कोई आदमी ले सकता है पहली इनकम से टीम ओनर से, तो उसका 10% आपको मतलब 50,000 आप उसी आदमी से रिपिन, पहले में 75 देन फिर 50,000, उसके बाद बड़े टीम कंसल्टेंसी बोनस 10%। मींस अगर आपकी पूरी टीम के अंदर 25,000 बीवी लेफ्ट 25,000 बीवी पूरे मंथ में होते हैं तो 1 पॉइंट मिलता है, ऐसे 2.5 लाख होते हैं तो 10 पॉइंट मिलते हैं, अगर 25 लाख होते हैं तो 100 पॉइंट, 1 पॉइंट की वैल्यू एवरेज 1500 के कभी 200 कम 200 ज्यादा आती है, तो एवरेज आपको यहां पे लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के बीच में एक कैपिंग के रूप में मिलता है टीम कंसल्टेंसी बोनस के रूप में। नेक्स्ट लीडरशिप बोनस 30%। दोस्तों यहां पे मैंने आपको बताया कि यहां पे डायमंड जैसे आपको 30% अगर कोई बंदा रीपर्चेस के माध्यम से चलता है तो उसको मात्र 15,000 बीवी के ऊपर क्या मिलता है, डायमंड शिप। ऐसे करते 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 2.5 लाख बीवी के ऊपर आपको क्राउन एम्बेसडर भी मिलता है। दोस्तों ऐसे ही आप डायमंड एग्जीक्यूटिव डायमंड रॉयल डायमंड क्राउन एग्जीक्यूटिव एंड क्राउन एम्बेसडर 2.5 लाख की सेल करके कंपनी के 30% लीडरशिप बोनस को एंजॉय कर सकते हैं। मैं अगर आज नए लोगों को नहीं समझ आए तो अपने सीनियर से बात जरूर करिएगा ये कैसे मिलता है, लेकिन 30% आप ले सकते हैं मात्र 2.5 लाख बीवी की सेल से। इसके अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो रॉयल्टी बोनस, जितने भी दोस्त आपके क्राउन एम्बेसडर बने होंगे उनके आपको 1 पॉइंट मिलेगा, कंपनी के टर्नओवर का 3% रॉयल्टी बोनस के रूप में मिलता है। जितने भी आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर होंगे जो आपको 10% और 100% देते हैं वो 1 पॉइंट देंगे, और 1 पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे 10,000 से कभी 15,000 कभी 20,000 भी आती है, कभी 10,000 कभी 12,000 कभी 15,000 आती है। उसके बाद हाउ टू अचीव SHPL रैंक, अगर बात करें मैं कंबाइंड की बात करूं SHPL रैंक को कैसे हासिल किया जा सकता है, जैसे कि मैं ऑलरेडी डायमंड से लेके 13वें लेवल तक अगर आप इसको नेक्स्ट करिए सर, अगर आप इसको लेना चाहते हैं रीपर्चेज के अंदर, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 15,000 से लेकर 2.5 लाख के बाद 5 करोड़ बीवी लेफ्ट राइट इन मंथ करके भी रीपर्चेज के अंदर आप SHPL ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंशियल क्लब अभी उसके बाद भी 2 रैंक खाली है, मतलब हम और आप लोग भाग्यशाली है कि अभी यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर कौन बनेगा, आप भी बन सकते हैं अगर आज आप डिसाइड करें। नेक्स्ट आज अगर बात करें दोस्त इन सभी चीजों को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए हमारी कंपनी ने एनिवर्सरी के अंदर एक छोटा सा टारगेट हम लोगों को दिया, एक गिफ्ट दिया। मैं ये बोल सकता हूँ कि जो भी आदमी सिर्फ 60 BP लेफ्ट और 60 BP राइट करता है कितने दिन के अंदर, 31 जुलाई से पहले पहले, उस समय लगभग 70 दिन का टाइम था और आज भी आपके पास 60 दिन से ज्यादा का टाइम है, 60 दिन के अंदर 60 लेफ्ट 60 राइट करते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से 4 नाइट और 5 डे का थाईलैंड टूर मिलता है। और मजेदार बात क्या है कि टूर तो मिलता ही मिलता है, आपको 1000 बीवी 3 मंथ लगातार करना है। जो लोग इसके लिए फाइट कर रहे हैं उनको आज इस मंथ में भी करना है, नेक्स्ट मंथ में आप उसके बाद जो आदमी पहले 30 होंगे ना उन 30 प्लेयर्स को कंपनी एक्स्ट्रा मान सम्मान एक्स्ट्रा रिकॉग्निशन एक्स्ट्रा गिफ्ट की प्लानिंग कर चुकी है कि जो फास्ट रनर होंगे उनके लिए एक्स्ट्रा गिफ्ट, ऐसे ही कंपनी टाइम टू टाइम निकालती रहती है। नेक्स्ट जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पे नए हैं मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे बिजनेस करना बहुत आसान है, कि कंपनी का एक वीकली शेड्यूल है, मतलब मंथली शेड्यूल है, मतलब ईयरली शेड्यूल है। वीकली शेड्यूल के अंदर सुबह 8 AM के ऊपर अगर आप हेल्थी रहना चाहते हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज लेना चाहते हैं, तो मॉर्निंग में डेली मंडे से लेके फ्राइडे तक आपको 8 बजे जैसे आपको ऑलरेडी बताया हमारे जेनोमैक्स के ऊपर, कभी अल्कलाइन के ऊपर, कभी सीओक्टन के ऊपर, कभी एसपल्स के ऊपर ट्रेनिंग लगातार एक प्रोफेशनल लोगों के माध्यम से दी जाती है। और उसके बाद इस व्यापार को कैसे बढ़ाना है, रिक्रूटमेंट कैसे बढ़ाना है, रिपर्चेस कैसे बढ़ाना है, डायरेक्ट सेलिंग को कैसे बढ़ाना है, उसके लिए शाम को जैसे कि आज हमारा फर्स्ट
सर्वश्री का इंट्रोडक्टरी फेस है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि आज मंडे हो गया, वेडनेसडे हो गया और सैटरडे, ये तीन चीजें आपको मिलेगी कंपनी की तरफ से। एक ऐसा मजबूत सिस्टम दिया गया है, सिर्फ आप जिसने आपको बुलाया उसके माध्यम से आइए और उस व्यक्ति के माध्यम से सीखिए। इस सिस्टम में वो ताकत है कि आपको जीरो से हीरो तक पहुंचा सकती है, 10,000 की इनकम से लेके 10,00,000 तक की इनकम बचा सकती है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आज तक मेरा यही काम था, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू संजीव सर, थैंक यू रियल में इस मैजिकल प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रियल में सभी चैंपियंस की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, इतने कम समय में इतनी बेहतरीन प्रेजेंटेशन आपने दिखाई। अभी जितने भी लीडर्स यहाँ पे हैं, जितने भी चैंपियंस यहाँ पे हैं, साथियों अभी तक का जो भी सेशन रहा बहुत सुपर सेशन रहा, लेकिन अगले 20 मिनट का जो अगला सेशन होने वाला है रियल में एक ऐसा सेशन है कि अभी तक आपको समझ में आया नहीं आया, लेकिन अगले 20 मिनट वो पर्सनैलिटी हमारे बीच आने वाले हैं, वो पर्सनैलिटी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनके शब्दों में वो ताकत है। अगर अगले 15 से 20 मिनट उनकी आपने उन शब्दों को सुन लिया तो आपके जीवन में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। अभी तक आपको जितनी भी चीजें समझ में आई नहीं आई, लेकिन अब जो शब्द आपके सामने आने वाले हैं वो भी इस कंपनी के अंदर SHPL के अंदर टॉप रैंक होल्डर है, वो टॉप रैंक अचीवर है, यहाँ पे टॉप अर्नर है और वो भी यहाँ पे प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर लेवल को मेंटेन कर रहे हैं। और रियल में साथियों जब भी वो किंग मेकर है इस इंडस्ट्री के अंदर, आज उनकी वजह से भी हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगियां बदली हैं, जिनमें से एक शख्स आज आपके सामने बैठा है वो भी इन पर्सनैलिटी की वजह से ही आज इस इंडस्ट्री के अंदर जो भी कर पा रहा है, जो भी चीजें आज अचीव कर पा रहा है आज इन्हीं की वजह से है। तो मैं आप लोगों के जबरदस्त रिएक्शन के साथ, आप हैंड रेस करिए, आप दिल का सिंबल रिएक्शन करिए, कुछ भी रिएक्शन करिए, एक ऐसी पर्सनैलिटी है मैं तब तक उन्हें नहीं बुलाऊंगा जब तक आपका रिएक्शन आपका रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिलेगा। मैं उन पर्सनैलिटी को आपके सामने बुलाना चाहूंगा, मिस्टर प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर मिस्टर परवेज भारद्वाज जी। वेलकम सर, प्रवेश सर। धन्यवाद दीपक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम सर, वेलकम। आपने जो शब्द कहे परमात्मा उन सभी शब्दों को मेरे को पूरा करने की हमेशा ताकत दे, बल दे। मेरा नाम प्रवेश भारद्वाज है और आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं अपने परिवार के अंदर, SHPL परिवार के अंदर। और हमेशा मेरा मन का यही कोशिश रहती है कि जो मैं बन पाया या जो मैं बनने के लिए आज दौड़ रहा हूं, और मेरे शब्द वही निकले जो मैंने आज तक किया है, मेरे शब्द वही निकले जो मैं आपके लिए चाहता हूँ। दोस्तों आज सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ परमात्मा का, जिन्होंने हमें सबको, हम सबको यहाँ पे यूनाइट किया एक बेहतरीन सिस्टम के साथ जिसका नाम है SHPL। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ गोपाल जी का और पूरी मैनेजमेंट का, जिन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से, इतने सजो के इतना बेहतरीन सिस्टम बनाया है जिसमें आप और हम लोग मेहनत कर पा रहे हैं, आप लोग, हम लोग ताकत लगा पा रहे हैं, एक गरीब आदमी अमीर बनने का रास्ता जो दिखाया इन्होंने। और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हर उस आदमी का जिन्होंने सपोर्ट किया, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के काम किया, हम पे विश्वास दिखाया, जिन्होंने चाहे SHPL परिवार में आके एक सिंगल शैम्पू का शैशे भी लिया है, मैं उन सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। क्योंकि आज मैं जो भी बन पाया, आज मैं जो भी हूँ, वो आप सभी लोगों की बदौलत हूँ, आप सभी लोगों का प्रेम है, आप सभी लोगों का आशीर्वाद है। और आज मैं जानना चाहूंगा कि आज जितने भी लोग पहली बार सुन पा रहे हैं SHPL को, जिनको इनवाइट किया गया है, जिनको आज बुलाया गया है SHPL परिवार के अंदर, वो सभी लोग हैंड रेज करेंगे ताकि मेरे को पता लगे कि आज नए लोग कितने हमारे परिवार को देखने के लिए आए हैं। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शानदार शानदार। बहुत सारे लोग आज हमारे परिवार के अंदर नए आए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि बाय प्रोफेशन मैंने बीटेक किया, एक साधारण परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। और बीटेक करने के बाद जो आदमी, हर आदमी करता है, नौकरी के लिए मेरे को तैयार किया गया था, मेरे माता पिता ने मेरे को बीटेक करवाया नौकरी के लिए, और लगभग 1.5 साल नौकरी की, नौकरी करते करते मेरे को समझ में आ गया कि नौकरी में कोई आदमी बड़ा नहीं बन सकता, नौकरी के अंदर किसी भी आदमी ने कोई बड़ा काम नहीं किया है नौकरी के अंदर। मेरे पिताजी ने नौकरी की, मेरे दादाजी ने नौकरी की, और नौकरी हमेशा आदमी को नौकर बनना सिखाती है, नौकर की जिंदगी जीना सिखाती है। मैं नौकरी को बुरा नहीं कहता, पर जब तक उस नौकरी करने वाले आदमी को कोई विकल्प नहीं मिलता तब तक वो अपने जीवन का सबसे अच्छा काम कर रहा होता है। पर जिस आदमी को विकल्प मिलने के बाद भी नौकरी करता है तो जीवन में वो मजबूरी का काम कर रहा है।
और मेरा मानना यह है कि जब आदमी किसी चीज की तलाश करता है तो भगवान उसकी सारी तलाश पूरी करता है। ऐसे ही मेरे जीवन के अंदर एक कॉल आया आज से 19 साल पहले, और मैं थैंक गॉड में हाथ जोड़ के आज भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ उस आदमी का, जिस आदमी ने मेरे को इस इंडस्ट्री के अंदर धकेला, इस इंडस्ट्री के अंदर वो कॉल किया और एक साधारण मीटिंग के अंदर मेरे को बुलाया गया। वहां पे बुलाने के बाद मेरे पास बजाज चेतक हुआ करता था, स्कूटर हुआ करता था, उस स्कूटर के ऊपर मैं मीटिंग देखने गया। मैंने मीटिंग देखी, मीटिंग देख के मेरे को एक चीज समझ में आई कि जिस चीज की तलाश में प्रवेश तू है वो ये इंडस्ट्री तुम्हें दे सकती है। वहां पे एक ही चीज समझ में आई कि हर बड़े आदमी के पास नेटवर्क है, हर बड़े आदमी ने अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, नेटवर्क को बड़ा करने के लिए प्रयास किया है। हर छोटा आदमी जो अपने सपने पूरे करना चाहता है वो यहाँ पे सपनों की बात करता है और वो यहाँ पे अपने नेटवर्क को बड़ा करने की बात करता है। ये सारी चीजें सोच के समझ के निर्णय लिया, 3 साल मेहनत के लगे। 3 साल ऐसे दिन थे कि एक एक दिन गुजारना मुश्किल था। जब आदमी स्ट्रगल पीरियड में होता है तो आप ये मान के चलिए कि उस आदमी का जलूस और जूस दोनों चीजें निकलती हैं। ऐसे ही मेरे जीवन में हुआ, 3 साल नेटवर्क इंडस्ट्री के इतने ज्यादा खतरनाक थे। मेरा मानना ये है कि वो खतरनाक नहीं है, वो 3 साल आपकी परीक्षा है, वो 3 साल आपके जीवन का वो समय है जिस समय में आप रगड़ रगड़ के अपने आप को निखारते हैं। और वो 3 साल इतने मेहनत के थे, मैंने और संजीव जी ने इतनी इतनी शानदार मेहनत की, इतनी जोरदार मेहनत की। आप ये मान के चलिए कि बहुत सारी रातें थी जो रातें शायद हमने स्टेशनों पर गुजारी हैं, जो रातें हमने शायद डोरमेट्री के अंदर गुजारी हैं, जो रातें हमने शायद रिश्तेदारों को ये बोल के कि मैं बहुत अच्छी जगह पे रह रहा हूं, हमने स्टेशन्स पे गुजारी हैं। ऐसे दिन पार करने के बाद जब ये सिस्टम आपके लिए काम करता है, 3 साल बाद अच्छे दिन आने शुरू हुए। धीरे धीरे करके मैंने अपने जीवन की पहली गाड़ी ली, इंडिका DLS टर्बो। वो गाड़ी लेने के बाद जीवन में चीजें बदलने लग गई। पहली गाड़ी ली, सेकेंड गाड़ी ली, थर्ड गाड़ी ली। आज परमात्मा ने जो आदमी 1500 रुपए के घर के अंदर रहा करता था, जो आदमी 1500 रुपए किराया देने के लिए नहीं हुआ करता था, जिस आदमी के पास अपने घर में रहने के लिए पर्याप्त चीजें नहीं थी, जिस आदमी के पास अपने घर को मेंटेन करने के लिए 1500 रुपए किराया नहीं हुआ करता था, आज वो आदमी 2.5 से 3 करोड़ रुपए के बंगले के अंदर रहता है। आज वो आदमी के घर पे 1 से 1.5 लाख रुपए का रेंटल इनकम आती है। ये इंडस्ट्री आपको ये ताकत देती है। मेरा मानना ये है कि हर आदमी इसमें कामयाब हो सकता है, हर आदमी इसमें डिसीजन लेके कामयाब हो सकता है। आज जो मेरे जीवन के अंदर बदलाव आया, वो बदलाव का केवल मात्र एक ही कारण है, आज से 19 साल पहले लिया गया वो एक छोटा सा डिसीजन, एक छोटा सा निर्णय, एक छोटा सा वो क्षण, जिस क्षण में मेरा सिर ऐसे हिला था, जिस क्षण के लिए मैं मानता हूं कि ऊपर से परमात्मा की कृपा होती है, वो आदमी का सर ऐसे हिलता है। जिस आदमी के ऊपर परमात्मा की पूर्ण तौर से कृपा रहती है वो आदमी ऐसे सिर हिलाता है। आज वो क्षण की बदौलत मेरा परिवार एक लग्जरी लाइफ गुजार रहा है। आज वो क्षण की बदौलत मेरा मानना ये है कि जिस आदमी के पास घर का किराया देने के लिए नहीं होता था, आज वो आदमी रेंटल इनकम ले रहा है। उस क्षण की बदौलत जिस आदमी ने इतने बुरे वक्त देखा था कि डोरमेट्री में रुकना पड़ा, इतना बुरा वक्त देखा था कि एक दिन का 100 रुपए किराया देने के लिए नहीं होता था, आज मैंने और संजीव जी ने ऐसे दिन देखे हैं कि एक दिन का 65,000 रुपए किराया भी दिया है होटल का। ये बेहतरीन इंडस्ट्री आपको ये ताकत देती है। और मैं मानता हूं पिछले 19 साल की मेहनत थी कि जो 2 साल पहले हमारे जीवन के अंदर SHPL परिवार आया, हमारे जीवन के अंदर गोपाल सर आए, हमारे जीवन के अंदर ये मैनेजमेंट आई, इस 2 साल पहले हमारे जो पहले महीने का जो पेआउट था वो पिछले 18 साल की मेहनत की वजह से, पहले महीने का पेआउट 3.25 लाख रुपए था, दूसरे महीने का जो पेआउट था वो लगभग 4.25 लाख रुपए था, तीसरे महीने का पेआउट 5 लाख से प्लस था, चौथे महीने का पेआउट 6.25 लाख रुपए था। ऐसे ही करते करते जो लास्ट महीना क्लोज हुआ है, आप सभी लोगों ने ताकत लगाई, आप सभी लोगों ने जोर लगाया, इस आपके जोर की बदौलत जो पिछले महीने का पेआउट है 20.5 लाख रुपए है। मैं ये इसलिए नहीं बता रहा कि मैं कमा रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आज यहाँ पे नए व्यक्ति ने डिसीजन ले लिया, नए व्यक्ति ने केवल ऐसे कर दिया कि मेरे को भी करना है, मेरे को भी इस इंडस्ट्री में आना है, एक नए आदमी ने निर्णय ले लिया, एक छोटा सा डिसीजन आपके लाइफ में भी ये क्षण ला सकता है। एक छोटा सा डिसीजन, हमें 18 साल लगे,
हमें 20 साल लगे पर आपको 20 साल लगने वाले नहीं है। जब हमने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की थी तो एक आदमी से मिलने के लिए हजारों किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, एक आदमी से मिलने के लिए हजारों रुपए खर्च करने पड़ते थे, पर आज आप जिस 21वीं शताब्दी में हैं उस समय आप केवल 3 साल 1000 दिन के अंदर ये सारी चीजें पॉसिबल कर सकते हैं। उसका कारण है कि आज एक आदमी से मिलने के लिए हजारों रुपए खर्चने की जरूरत नहीं है, आज एक आदमी से मिलने के लिए हजारों किलोमीटर दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि 400, 450 लोग आज एक साथ बैठ के हमें सुन पा रहे हैं, एक साथ अलग अलग जगह से। ये टेक्नोलॉजी का इतना विकास हो गया है कि जो 20 साल लगते थे किसी काम को आज वो आप मात्र तीन साल के अंदर कर सकते हैं। एक छोटा सा डिसीजन आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आज आप मान के चलिए कि जो प्रवेश भारद्वाज जिस समय स्ट्रगल पीरियड के अंदर काम करता था उस समय अगर हम किसी के घर पे जाते थे तो आप ये मान के चलिए हमारा दिल से उपलक्ष होता था कि आज रोटी भी यहीं पे खानी है, रहना भी यहीं पे। ऐसे ऐसे दिन देखे हैं और आज अगर किसी के घर पे जाते हैं तो इस उपलक्ष से जाते हैं कि इस आदमी के जीवन को बदलाव करना है, इस आदमी के जीवन को बदलना है। ये इंडस्ट्री आपके जीवन को बदल सकती है, ये इंडस्ट्री आपके जीवन को बहुत बड़ा बना सकती है। आप ये मान के चलिए कि आज आपके पास कोई ऐसा काम, आपको हजारों लोग मिलेंगे, आपको लाखों लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि लाखों लगाओ और हजारों कमाओ, करोड़ों लगाओ और लाखों कमाओ। हजारों लोग मिलेंगे। आप अपने जीवन में एक चीज आंखें बंद करके रियलाइज कीजिए कि आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कहेगा मात्र हजारों का प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हो, मात्र हजारों रुपए का प्रोडक्ट खरीद के अपने घर में लाते हो, उसको यूज करते हो, अगर आपको अच्छा लगता है और अगर आप निसंकोच होकर अपने दिल से उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, मात्र 3 साल हमारा साथ देते हो, मात्र 3 साल टिके रहते हो, मात्र 3 साल हाथ नहीं छोड़ते, साथ नहीं छोड़ते, जो सिस्टम बोलता है वो सीखते हैं। आपको 20 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति बोलता है कि मैं आपको सिखाऊंगा कि 20 लाख रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं। आप आंखें बंद करके रियलाइज कीजिए कि हजारों रुपए का प्रोडक्ट, सिर्फ हजारों रुपए का प्रोडक्ट लेके करोड़ों रुपए महीना कमाया जा सकता है। ये एक बेहतरीन आविष्कार है। जीवन में मेहनत करने से, हमारे बुजुर्ग बोला करते थे, मेरे पिताजी बोला करते थे कि सिर्फ मेहनत करने से पैसे आते हैं, मेहनत करने वाले लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर मेहनत करने वाले लोग आगे बढ़ते, अगर सिर्फ मेहनत करने से ही पैसा आता तो हमारे रेलवे स्टेशन पे काम करने वाला कुली सबसे ज्यादा अमीर होता, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मेहनत करता है। हमारे घर को बनाने वाला मजदूर सबसे ज्यादा अमीर होता, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मेहनत करता है। वो जीवन में सुबह उठ के शाम तक पसीना बहाता है। केवल मेहनत करने से पैसा नहीं आता है, सही दिशा में मेहनत करने से पैसा आता है। जीवन के अंदर सही दिशा में मेहनत करने से पैसा आता है। अगर केवल मेहनत करने से पैसा आता तो आपके घर पे जो तस्वीर लगी होती उसके अंदर कोडावला फावड़ी लेके आपके पिताजी खड़े होते और आप मेहनती उनको बोलते कि मेहनत करते हैं, मेहनत करने से पैसा आता है। मेहनत करने से पैसा नहीं आता, सही आइडिया पे काम करने से पैसा आता है। एक छोटा सा व्यापारी, एक छोटा सा बच्चा, उसके दिमाग में खुराफात आती है कि दुनिया के अंदर बहुत सारे होटल्स हैं और बहुत सारे लोग हैं जो उन होटल्स तक पहुंचना चाहते हैं। वो एक छोटी सी वेबसाइट बनाता है, ओयो के नाम से वो वेबसाइट बनाता है, एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाता है, लोगों को लोगों से जोड़ता है, संसाधन को साधन से जोड़ता है। धीरे 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 वो प्रचलित होके ओयो एक ब्रांड बन जाता है, उसका खुद का कोई होटल नहीं है। एक छोटे से आइडिया पे काम करने से वो इतना बड़ा आदमी बन सकता है। एक छोटे से आइडिया पे काम करके एक छोटा आदमी बहुत बड़ा बन सकता है। आज सही आइडिया पे काम करके बड़ा बना जा सकता है। आज हिंदुस्तान के अंदर काम करने के लिए सबसे सही आइडिया है नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पे कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, कस्टमर प्रोडक्ट कंज्यूम करता है, हम बीच में माध्यम बनते हैं, हम उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, दुनिया झूठ बोल के पैसा कमाती है। आप ये मान के चलिए जो काम हम कर रहे हैं ना, ये आप अपने आप को गौरवशाली समझिए कि आपको ये कंपनी आज बिना सोचे समझे, बिना परखे आपको मौका दे रही है इस काम को करने का। इस काम को करने के लिए लोगों को सैकड़ों साल लगते हैं। धोनी को इतना पैसा बनाने के लिए हजारों मैच खेलने पड़े, पर जब वो प्रसिद्ध हो गया, प्रसिद्ध होने के बाद कई कंपनियों ने उनको चुना किसके लिए, अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए, अपने प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए। कामयाब होने के बाद मौका मिलता है,
प्रोडक्ट का प्रचार करने का, प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनने का। कामयाब हुआ तब प्रोडक्ट का प्रचार किया, इतना पैसा उसको मैच खेल के नहीं आता जितना पैसा उसको एडवर्टाइजमेंट करके आता है। अमिताभ बच्चन 60 साल की उम्र में मेहनत करता है, फेल होता है, फिर कामयाब होता है, फेल होता है, फिर कामयाब होता है। कामयाब होने के बाद हजारों फिल्में करने के बाद उसको मौका मिलता है किसी प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनने का, किसी प्रोडक्ट का प्रचार करने का। तब उसके घर में हजारों रुपए आते हैं, वो लोग शरेआम झूठ बोलते हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न, ठंडा ठंडा कूल कूल, मेरे मेरे बालों की कामयाबी का राज, मेरे बालों का राज क्या है, ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल। आपको भी पता है कि नवरत्न तेल लगाने से क्या होता है, आपको भी पता है कि वो लोग ये प्रोडक्ट यूज नहीं करते, उनके प्रोडक्ट तो उनके घर में अगर कुत्ता भी है तो उसके भी प्रोडक्ट पेरिस से आते हैं। शरेआम झूठ बोल के हमारे बाप दादाओं को बेवकूफ बनाया, शरेआम झूठ बोल के हमारी जनरेशन को बेवकूफ बनाया, आज यंग जनरेशन आपकी जनरेशन को बेवकूफ बना रही है। हमें सब लोगों को मिलके अपनी नई यंग जनरेशन को इस व्यापार में लगाना है, क्योंकि यहाँ पे मैं सच बोल रहा हूँ कि SHPL परिवार के प्रोडक्ट यूज करो, वो केवल आपके घर से, आपके आपके शरीर से मैल नहीं उतारता है, आपके शरीर से केवल मैल नहीं उतारता है इसका साबुन यूज करने से आपके घर से गरीबी का मैल भी उतारता है, आपके घर से आर्थिक आजादी का मैल भी उतारता है। मैं ये सच बोल रहा हूँ, आपने भी ऐसे ही सच बोल के केवल इन प्रोडक्टों को यूज करके, केवल इन प्रोडक्टों को प्रमोट करके, केवल मात्र डिसीजन लेके, एक छोटा सा निर्णय आपके परिवार को गरीबी से निकाल के अमीरी में लाके खड़ा कर देगा। जैसे मैंने डिसीजन लिया, जैसे संजीव जी ने डिसीजन लिया, जैसे दीपक बलोदी ने डिसीजन लिया, जैसे हमारे हर उस आदमी ने डिसीजन लिया जिसने अपने परिवार के अंदर से उन प्रोडक्टों को निकाल के बाहर फेंकने का डिसीजन लिया, अपने परिवार में इन बेहतरीन प्रोडक्टों को लाने का डिसीजन लिया। हजारों सालों से हम इन लोगों की गुलामी कर रहे हैं, इन प्रोडक्टों की गुलामी कर रहे हैं, अगर इन प्रोडक्टों को उठा के आज हमने बाहर फेंक दिया तो आप ये मान के चलिए आप अपने परिवार के सबसे बड़े आदमी बन सकते हैं, आप अपने परिवार के सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं, आप अपने परिवार का सबसे बड़ा घर ले सकते हैं, आप अपने परिवार की सबसे बड़ी गाड़ी ले सकते हैं, केवल एक छोटा सा डिसीजन। आप ये मान के चलिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें सोच के चलनी चाहिए, क्योंकि जीवन में सबसे पहले जब आप कोई डिसीजन लेते हैं ना तो आप हमेशा नेगेटिव सोचता आदमी, आपके घर पे कोई आदमी आता है और आप उसको पूछते हो रोटी खाएगा तो वो सबसे पहले कहता है नहीं मेरे को नहीं खानी, पर जब आप बना के रख देते हो तो चार नहीं वो छह फुलके खाता है, दोनों सब्जियां खा जाता है। आपके घर में कोई आदमी आता है आप उससे पूछते हो चाय पिएगा, वो कहता है नहीं मेरे को चाय नहीं पीनी, पर जब आप चाय के साथ बिस्कुट भी रखते हो वो बिस्कुट भी खा जाता है, पहले ना आता है उसके बाद हाँ आता है। ऐसे ही आपके जीवन में हम मान के चलते हैं कि आपने ये डिसीजन ले लिया तो हद से क्या हो जाएगा, क्योंकि जीवन में जब आप अल्टीमेट लॉस समझ के किसी डिसीजन को लेते हैं ना, निर्णय को लेते हैं, तो आप हमेशा अग्रेसिवली उस डिसीजन के ऊपर काम करते हैं। आप सोच के चलिए कि आपने अपने जीवन के अंदर सिर्फ एक बार, जीवन में एक बार आपने अपने घर के अंदर SHPL के 7500 रुपए के प्रोडक्ट लाके रख दिए, 7500 रुपए के लाके रख दिए। जब आपने घर के अंदर 7500 रुपए के प्रोडक्ट लाके रखेंगे उसके अंदर बेहतरीन 15000 रुपए की एस्पल्स आपको मिलती है। आप ये मान के चलिए कि सबसे पहला, आप ये मान के चलिए कि हद से हद क्या हो जाएगा, 7500 रुपए के अंदर आपको 15000 का माल मिल जाएगा। हद से हद क्या होगा, हद से हद आप उस माल को यूज कर लेंगे। आप 7.5 के अगेंस्ट 15000 रुपए का माल अपने घर में लाए, आप पहले दिन ही प्रॉफिट में हैं। अब मैं ये मान के चलता हूं कि आपका काम नहीं चलता, पहला रीजन क्या है कि आपका काम नहीं चलेगा। आप ये मान के चलिए आपने 75000 के अंदर, आपने 7500 के अंदर 15000 रुपए का माल ले लिया, आपका काम नहीं चला, तो हद से हद क्या हो जाएगा, आप रोड पे आ जाएंगे, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा डेंट लग जाएगा 7500 रुपए से। बिल्कुल भी नहीं, आपका जीवन वैसे का वैसा ही रहेगा, आप बिल्कुल भी घाटे में नहीं चले जाएंगे। एक छोटा सा डिसीजन आपने लिया, आप नाकामयाब भी रहे तो आपके घर में 15000 रुपए का माल आ जाएगा, उस 15000 रुपए के माल को आप यूज करेंगे। आप 3 साल हमारे साथ खड़े रहे, आप 3 साल हमारे साथ टिके रहे, आपने हर मीटिंग यूज की, आपने SHPL का हर प्रोडक्ट यूज किया, एक परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। पैसा आए ना आए पर 3 साल के बाद, 3 साल के बाद इस देश में, इन 3 सालों में बहुत सारी बीमारियां आएंगी, जैसे पिछले 2 साल के अंदर कोरोना आया, कोरोना काल में उन लोगों का निधन हुआ जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं था, उन लोगों का निधन हुआ जिन लोगों का दिमागी के रूप से विकास नहीं था, उन लोगों का निधन हुआ जिन लोगों के पास लोग नहीं थे, वो अकेलेपन में मर गए। पर कोरोना काल
कि जैसे हजारों बीमारियां आएंगी, मैं ये वादा करता हूं, अगर आपने एसएचपीएल का दामन नहीं छोड़ा, एसएचपीएल के प्रोडक्ट अगले 3 साल आप लगातार यूज करते रहे, तो कोरोना है, टरोना है, परोना है, वो आपके घर को हाथ भी नहीं लगा सकता, आपके घर से वो किसी जीव को, किसी आदमी को वो लेके नहीं जा सकता। इतनी बड़ी ताकत ये एसएचपीएल परिवार आपको देगा, ये सबसे बड़ी ताकत आपके पास होगी कि आपके घर के अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी। अगर 3 साल लगाए, आपने सिस्टम को फॉलो किया, आपने हर मीटिंग को अटेंड किया, आपने हर प्रोडक्ट को यूज किया, आपने इस प्रोडक्ट को रिकमेंड किया, तो दोस्त एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आपके घर में 20 लाख रुपए महीना आएगा, मैं ये कहता हूं कि अगर आपके घर में 20 लाख रुपए महीना भी नहीं आया, 10 लाख आया, 5 लाख आया, 2 लाख रुपए भी आया, अगर 3 साल लगा के मात्र 7500 रुपए के प्रोडक्ट लेके, मात्र एक छोटी सी योगदान देके इस परिवार के साथ सिर्फ हाथ पकड़ के रखा, साथ नहीं छोड़ा, तो ये 7500 रुपए का प्रोडक्ट आपको 2 लाख रुपए महीने का आदमी बना देगा। ये परिवर्तन 3 साल में आ सकता है, और मैं ये वादा करता हूं, जैसा प्लान हमारे पास है, जैसा सिस्टम हमारे पास है, जैसे प्रोडक्ट हमारे पास है, अगर आपने हाथ नहीं छोड़ा अगले 3 साल, अगर आपने साथ नहीं छोड़ा अगले 3 साल, तो ये 2 लाख रुपए पर हफ्ता भी आ सकता है, ये 20 लाख रुपए पर हफ्ता भी आ सकता है। ऐसा परिवर्तन आने वाला है, ऐसा आंधी आने वाली है, ऐसे तूफान आने वाला है, जो 10,000 से लेके 11 करोड़ रुपए के रिवार्ड हैं, ये आपके घर में भी आएंगे। मेरा मानना ये है कि अगर चंडीगढ़ से 250 किलोमीटर दिल्ली है, जिस आदमी ने निर्णय ले लिया दिल्ली जाने का, जिस आदमी ने डिसीजन ले लिया दिल्ली जाने का, और जिस आदमी ने जीवन में प्रयास करना नहीं छोड़ा, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बड़े से बड़ा विकल्प आए, चाहे उसके सामने कोई भी उसको रोकने के लिए आए, अगर उसने अपने मन में डिसीजन बना लिया है, उसने अपने मन में निर्णय बना लिया है कि मेरे को किसी भी हाल में दिल्ली पहुंचना है, तो उसको दुनिया की कोई ताकत दिल्ली पहुंचने से नहीं रोक सकती। ऐसे ही अगर आपने निर्णय ले लिया, अगर आपने डिसीजन ले लिया, अगर आपने सोच लिया है कि SHPL ने जो भी प्लान निकाला है, जो भी प्लान निकाला है, उस प्लान में मैं अपने जीवन का कतरा कतरा लगा दूंगा, एक छोटा सा डिसीजन आपने ले लिया, एक छोटा सा निर्णय आपने ले लिया, एक 7500 रुपए की केवल योगदान आपने कर दिया, तो आप ये मान के चलिए कि अगले 3 साल बाद, मैं ये नहीं कहता 11 करोड़ पे पहुंचे, आप 1 करोड़ पे भी पहुंचे, तो आप 11 करोड़ पे भी जरूर पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि आपने चलने का डिसीजन ले लिया है, आप आधे रास्ते पहुंच चुके हैं, आप पानीपत पहुंच चुके हैं, तो आप दिल्ली जरूर पहुंचेंगे। केवल एक डिसीजन आपको दिल्ली पहुंचा सकता है, केवल एक डिसीजन आपको 11 करोड़ रुपए का पहुंचा सकता है। यहां पे बैठा हर आदमी जिसने निर्णय ले लिया, जिसने डिसीजन ले लिया, वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट ले सकता है। मेरा जीवन अगर बदल सकता है एक निर्णय से, संजीव जी का डिसीजन लेने से निर्णय बदल सकता है, हर उस आदमी का, अगर मैं बोलता हूं, शर्म बोलता हूं कि एक इंडस्ट्री है जो हवाई चप्पल डालने वाले व्यक्ति को 5-स्टार रिजॉर्ट में पहुंचाती है, एक इंडस्ट्री है जो हवाई चप्पल डालने वाले व्यक्ति को मर्सिडीज बेंस लेने के लिए प्रेरित करती है, केवल एक इंडस्ट्री है जो हवाई चप्पल डालने वाले के आदमी में 10 लाख रुपए का बैलेंस मंथली मेंटेन करने की ताकत रखती है। ये आपके साथ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता यहां पे बैठा हर आदमी धीरूभाई अंबानी बनने के लिए पैदा हुआ है, पर मेरा मानना यह है कि एक छोटा सा डिसीजन आप लें, हाथ नहीं छोड़े, साथ नहीं छोड़े, अगले 3 साल आप निरंतर प्रयास करते रहें, तो यहां पे बैठा हर आदमी अपने परिवार का धीरूभाई अंबानी जरूर बन सकता है, अपने परिवार का सबसे बड़ा आदमी जरूर बन सकता है, अपने परिवार की सबसे बड़ी गाड़ी जरूर मेंटेन कर सकता है। एक छोटा सा डिसीजन, एक निर्णय मेरी जिंदगी बदल सकता है, आपकी भी जिंदगी बदल सकता है। आइए मिलके 1 साल मेहनत करें, दूसरे साल उस मेहनत को खाएं, तीसरे साल उस मेहनत का एंजॉय लें, 3 साल के बाद यहां पे बैठा हर आदमी एक ऐसा आदमी बन चुका होगा जिसको सिर्फ एक SMS जाएगा और हम सब लोग मिलके हजारों लोगों की जिंदगियां बदलेंगे, हजारों लोगों की जिंदगियों को प्रभाव डालेंगे। बाकी मिलते हैं, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल ऑफ यू, समय का तकाजा है, बहुत जल्दी अगले नेक्स्ट मीटिंग के अंदर हम लोग मिलेंगे, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच परवेश सर, इतने कम समय में अपनी लाइफ स्टोरी को बताने के लिए, और रियल में जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर हकीकत में जो सर ने हमें बताया, अगर रियल में अपने जीवन में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी हम लोग ढूंढ रहे हैं, कुछ ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो वो आज हमें मिल चुका है, जिस पे आज इन सक्सेसफुल लोगों ने हमें अपनी स्टोरी के बारे में बताया, अपनी प्रेजेंटेशन के बारे में बताया, जो प्रूफ कर चुके हैं, अब हमारी बारी है। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा सभी लोगों का जिनकी वजह से आज ये मीटिंग सक्सेसफुल मीटिंग रही, और हम कल मॉर्निंग मिलेंगे, हम सुबह मॉर्निंग 8 बजे मिलेंगे अपनी मीटिंग के अंदर, अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। थैंक यू SHPL, थैंक यू सीनियर सप्लाई, थैंक यू।